प्यारे बच्चों नमस्कार। 11वीं कक्षा की फिजिक्स के पहले चैप्टर भौतिक जगत के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। दूसरे लेक्चर में हमने प्रकृति के मूल बलों का अध्ययन करना शुरू कर दिया था और मैंने आपको बताया था कि प्रकृति में चार तरह के मूल बल हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा प्रबल नाभिकीय बल और चौथा दुर्बल नाभिकीय बल। तो पहले दो टाइप के बल हम सेकंड लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने पहले नहीं पढ़े हैं तो सेकंड भाग का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पहले ये पढ़ लें। और अब हम बात करते हैं प्रबल नाभिकीय बल की कि प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है। इससे पहले मैं आपको परमाणु की संरचना पर ले चलता हूँ कि जो आपने 10वीं कक्षा में पढ़ी थी। जस्ट एक मिनट में बता देता हूँ, बिल्कुल आसान सी है कि आपको ये बताया है कि एक परमाणु में तीन टाइप के पार्टिकल हमने अभी तक पढ़े हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, अभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये परमाणु के सेंटर में स्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, अगर इतना सा ध्यान आ गया तो आप प्रबल नाभिकीय बलों को समझ सकते हैं। तब ये प्रबल नाभिकीय बल क्या है कि एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का आपस में जो बांध के रखता है ऐसा बल जो है वो क्या कहलाता है, प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। कि जैसे इसमें बहुत सारे प्रोटॉन होंगे, बहुत सारे न्यूट्रॉन होंगे, तो प्रोटॉन प्रोटॉनों के बीच में बल है, प्रोटॉन न्यूट्रॉनों के बीच में भी है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी जिस टाइप का जो बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। अब देखिए कि एक स्टूडेंट की बात आसानी से उसके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्रोटॉन पर हमने पढ़ा था कि धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर पढ़ा था कि ऋण आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन होते हैं। तो ऐसी कौन सी खास बात है कि जैसे तो हम विद्युत चुंबकीय बल में देख रहे थे कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को आकर्षित करता है। ठीक, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, दूर भगाता है, प्रतिकर्षित करता है, और नेगेटिव नेगेटिव को प्रतिकर्षित करता है, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव को आकर्षित करता है, हमने ऐसा पढ़ा था। लेकिन यहाँ तो देखिए प्रोटॉन पे पॉजिटिव, दूसरे प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इनको दूर धकेल देना चाहिए, फिर ये आपस में बंधे क्यों हैं। ठीक है, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश नहीं है, फिर प्रोटॉन से क्यों बंध गए भैया। तो ये एक सोचने वाली बात है। तो वास्तव में यहाँ पर एक विशेष प्रकार का जो बल लगता है, प्रबल नाभिकीय बल, वो काम करता है। क्यों? क्योंकि प्रबल नाभिकीय बल की जो सीमा है वो 10^-15 मीटर, यानी इतने छोटे से डिस्टेंस पर ये लगता है। ठीक, लगभग इसी कोटि के डिस्टेंस पर ये लगता है, और जबकि वहां इतने कम डिस्टेंस पर विद्युत चुंबकीय बल कार्य नहीं करता। दूसरा, फिर इसका क्या कारण है कि इन आवेशों की वजह से भी रिपेल नहीं होता? तो देखिए, अपने बुक में तो ये चीज नहीं लिखी हुई, लेकिन मैंने एक यूके की साइट पर इसका एक रीजन देखा, तो ये कहते हैं कि प्रबल नाभिकीय बल जो है क्यों लगते, ध्यान से समझिए कि अब ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल है, प्रोटॉन है चाहे न्यूट्रॉन है, तो इनके बीच में जो है, दो पार्टिकल्स के बीच में एक विशेष प्रकार का पार्टिकल होता है जिसको हम ग्लूऑन बोलते हैं, GLUONS, ग्लूऑन्स। ठीक, ये इनके बीच में एक्सचेंज होते रहते हैं बहुत हाई स्पीड से, कभी ग्लूऑन्स इसके पास आया, कभी इसके पास आ गया। तो यदि मैं आपको देसी भाषा में समझाऊं तो मान लीजिए आपके पास ये दो कुत्ते हैं। ठीक, एक कुत्ता ये है और दूसरा कुत्ता जो है ये है। ठीक, अब इन दोनों कुत्तों के बीच में जो है एक हड्डी है। ठीक, अब पहले ये कुत्ता इस हड्डी को पकड़ रहा है, ठीक,
इसने छोड़ी, इसने पकड़ ली, इसने छोड़ी, इसने पकड़ ली, बिल्कुल हाई स्पीड से एक्सचेंज कर रहे हैं हड्डी को, तो दोनों कुत्ते आपस में बंध गए ना। ठीक उसी तरह से ग्लूऑन पार्टिकल जो है इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में हाई स्पीड से एक्सचेंज होता है और उसी वजह से जो है ये पार्टिकल आपस में बंध जाते हैं। ठीक, अब देखिए जो मैंने पढ़ा है उसको मैं बता देता हूं। यहां पर लिखा हुआ कि परमाणु के नाभिक में प्रोटोन तथा न्यूट्रॉनों का आपस में बांधे रखने वाला बल जो है वो क्या कहलाता है, प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज मैंने यहां लिखी है। अब प्रबल नाभिकीय बलों के गुण देखिए कि यह सभी मूल बलों में प्रबलतम है, सबसे स्ट्रांग बल यही है। किस किस के बीच में लगता है, प्रोटोन प्रोटोन के बीच में लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, प्रोटोन न्यूट्रॉन के बीच में समान रूप से यह बल कार्य करता है और इसका प्रेशर बहुत ही कम है। कितना है, 10^-15 मीटर का प्रेशर है इसका सिर्फ। ठीक, और यह बल जो नाभिक के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी माना जाता है। ठीक, कि अगर न्यूक्लियस स्थायी है तो किसकी वजह से, इसी बल की वजह से है, और इलेक्ट्रॉन जो है इस बल का अनुभव नहीं करता। अब यहां देखिए कि एक खास बात यहां पर लिखी हुई है कि ये इसका प्रेशर बहुत ही कम है, 10^-15 मीटर, लगभग इतनी दूरी तक ही ये कार्य करता है। सोच के देखो कि अगर ये लॉन्ग रेंज होता, इसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता, मान लीजिए पूरी धरती पर इतनी दूरी पर ये कार्य कर सकता था तो क्या हो जाता। तो ये इतना स्ट्रांग फोर्स है कि पूरी धरती जो है ना सिकुड़ करके एक छोटी सी जो है कुछ मीटर रेडियस की एक बॉल के रूप में सिमट जाती है। अब आगे आता है दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल को समझने से पहले मैं आपको रेडियो एक्टिव पदार्थ के बारे में बताता हूँ कि रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं। कि कुछ एक ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे यूरेनियम वगैरह जो लगातार क्या करते हैं, विकिरण छोड़ते रहते हैं। ठीक, उसमें से कई प्रकार के विकिरण अपने आप बिना किसी स्रोत की हेल्प से अपने आप विकिरण क्या है छोड़ते रहते हैं। ऐसे पदार्थ जो क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। इनमें से जो है अल्फा बीटा गामा तीन तरह की विकिरण निकलती है, तो जो बीटा विकिरण निकलती है उस चीज को हम कहते हैं बीटा क्षय। ठीक, ये जो घटना है बीटा क्षय, इसको मैं जस्ट आउटलाइन बता रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर की डिटेल में इतनी ज्यादा है नहीं, इसलिए जस्ट आपके कंसेप्ट समझ आ जाए इसलिए मोटी मोटी सी बात समझा रहा हूँ कि बीटा क्षय क्या होता है। तो जैसे इस तरह से विकिरण निकलना जो है नाभिकीय प्रक्रिया कहलाती है। तो बीटा अक्षय के दौरान क्या होता है कि परमाणु के नाभिक में से एक तो इलेक्ट्रॉन और एक अनावेशित कण न्यूट्रिनो ये निकलते हैं बीटा अक्षय के दौरान। तो इनके बीच में एक विशेष प्रकार का जो बल होता है वो क्या कहलाता है, दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है। ठीक, तो यहां पर इसकी परिभाषा में भी ये लिख सकते हैं कि दुर्बल नाभिकीय बल केवल निश्चित नाभिकीय प्रक्रियाओं जैसे किसी नाभिक के बीटा क्षय के दौरान प्रकट होते हैं। अब आप ये कहोगे सर कि यहां पर आपने न्यूट्रिनो वगैरह ये बता दिया है तो ये हमने तो नाम ही नहीं सुना। तो हमने पहले आपको 10वीं कक्षा तक परमाणु के सिर्फ तीन मूल पार्टिकल बताए हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब वास्तव में जो है 32 या इससे भी कुछ अधिक पार्टिकल जो है आज की डेट तक परमाणु के अंदर खोजे जा चुके हैं। अब कई बच्चे तो सोचते होंगे कि सर आपने तो इतने पार्टिकल बता दिए, हम तो साइंस साइड छोड़ के जा रहे हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें कुछ एक पार्टिकल्स की स्टडी ही हमारे प्लस टू तक आएगी जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने यहाँ बताया कि इस दौरान ये पार्टिकल निकलते हैं, एक न्यूट्रिनो निकलता था, आपको बस इसका नाम ही काफी भी इस टाइप का कोई पार्टिकल होता है, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो वापस पॉइंट पे आते हैं कि कुछ नाभिकीय प्रक्रिया जैसे बीटा क्षय के दौरान जो बल हमारे सामने प्रकट होते हैं वो क्या होते हैं, दुर्बल नाभिकीय बल होता है। किस किस के बीच में लगता है, हमने देखा इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच में लगता है।
क्योंकि बीटाक्षय के दौरान ये चीज पैदा होती है, इनके बीच में लगता है। अब इसका नाम ही दुर्बल नाभिकीय बल है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण जितना दुर्बल नहीं है ये, गुरुत्वाकर्षण बल से तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जबकि प्रबल नाभिकीय बल और चुंबकीय बलों से थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए इसको दुर्बल कहते हैं। और इसका परिसर भी काफी छोटा होता है, 10^-16 मीटर की कोटि का जो है इसका परिसर होता है, लगभग इतने मीटर दूरी तक अगर पार्टिकल पड़े तो ये बल लगेगा, इससे ज्यादा अगर दूरी होगी तो ये पार्टिकल ये फोर्स नहीं लगेगा। अब 10^-16 मीटर का अर्थ तो समझ गए होंगे कि एक कोटे एक के आगे 16 जीरो, ठीक, इतना मीटर अगर डिस्टेंस है तो ये बल लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, ठीक है। अब आइए आगे पढ़ते हैं कि प्रकृति के मूल बलों की तुलना। तो सबसे पहले मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ाया था, उसके बाद विद्युत चुंबकीय बल, तीसरे नंबर पर प्रबल नाभिकीय बल और चौथे नंबर पर दुर्बल नाभिकीय बल आपको समझाया था। तो अब प्रबल नाभिकीय बल देखिए किस किस के बीच में था। न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, इकट्ठा जो भारी मूल कण है उनके बीच में लगता है। और इसका प्रास यानी जो रेंज होती है या प्रेशर जो होता है वो लगभग 10^-15 मीटर का होता है। और इसकी स्ट्रेंथ को अगर हम एक माने तो देखिए इसी के कंपेयर में दूसरी पड़ेगी कि विद्युत चुंबकीय बल जो है वो आवेशित कणों के बीच में लगते हैं, इसका प्रास अनंत होता है कि कितनी दूर पे आवेशित कण पड़े हों उनके बीच में बल लगे लगेगा। और इसकी अपेक्षिक प्रबलता 10^-2 होती है, यानी अगर इसकी एक है तो इसके 10^-2 यानी 1/100 होगी, यानी प्रबल नाभिकीय बल की बजाय जो है 100 गुना कमजोर होगा, ठीक। इसी तरह से अगर हम दुर्बल नाभिकीय बल की बात करें तो जैसे अभी भी पढ़ गए हैं किन किन पार्टिकल्स के बीच में लगता है, कितना प्रास होता है, और अगर ये एक है तो 10^-13 यानी अगर हम बात करें कि प्रबल नाभिकीय बल जो है इसे 10^13 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। प्रबल नाभिकीय बल 10^13 का मतलब 1^13 बार 0, ठीक, इतना स्ट्रांग इससे है। और इसी तरह से गुरुत्वाकर्षण बल की बजाय प्रबल नाभिकीय बल 10^39 गुना स्ट्रांग है, या हम ये कहें कि इसकी अपेक्षिक प्रबलता जो 10^-39 है प्रास अनंत है। और गुरुत्वाकर्षण बल विश्व में कोई भी बॉडी कहीं भी रखी हो उनके बीच में लगे लगेगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है एकीकरण तथा न्यूनीकरण। अब एकीकरण क्या है कि देखिए हमारे पास अलग अलग घटनाएं होती है और उन सभी घटनाओं की जो व्याख्या है वो सिर्फ कुछ लिमिटेड से नियम बनाते हैं, हम थोड़े से नियम बनाते हैं, उन्हीं के आधार पर उनकी व्याख्या की जा सके, ऐसा प्रयास जो है वो क्या कहलाएगा, एकीकरण कहलाएगा। कि अलग अलग घटनाओं के लिए अलग अलग नियम ना पड़े हमें। जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिखा हुआ है कि जैसे पृथ्वी पर सेब गिरा या पृथ्वी चंद्रमा के चारों तरफ परिक्रमा चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है, या जितने भी ग्रह है वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, तो वैसे देखने में अलग अलग घटनाएं हैं, लेकिन इन सभी घटनाओं की वैसे वो धरती पर सेब गिर रहा हो, चाहे चंद्रमा पृथ्वी के प्रति घूम रहा हो, या फिर कोई भी ग्रह जो है सूर्य के प्रति घूम रहे हो, इन सभी की व्याख्या जो है हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर कर सकते हैं। तो देखिए इतनी सारी घटनाओं को एक नियम के द्वारा एक्सप्लेन करना, ये क्या है, एक एकीकरण का ये तो उदाहरण है। तो ये हमने लिखा है कि विविध भौतिक परिघटनाओं की व्याख्या कुछ संकल्पनाओं एवं नियमों के द्वारा करने का जो प्रयास है वो क्या है, एकीकरण है। अब न्यूनीकरण क्या है, न्यूनीकरण है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी जटिल कॉम्प्लेक्स यानी एक जटिल सिस्टम है, हमारे पास एक बड़ा निकाय है, तो इस निकाय को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेते हैं, ठीक, और इसका पूरे का अध्ययन एक साथ करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए हम छोटे छोटे का पार्ट है उनका अध्ययन हम कर लेते हैं एक एक करके, फिर इनके बीच का संबंध देखते हैं, ठीक। तो सभी का स्टडी करके इनके बीच का संबंध देख करके हम पूरे एक निकाय का हम क्या कर देते हैं, गुणों बता देते हैं भी इस निकाय में ये गुण है, ठीक। तो इस टाइप की जो
प्रयास है वो क्या कहलाएंगे, न्यूनीकरण कहलाएंगे। तो किसी अपेक्षाकृत बड़े और अधिक जटिल निकाय के गुणों को, यानी बड़े निकाय के गुणों को इसके अवयवी, अवयवी मतलब इसके भाग, छोटे छोटे भाग कंपोनेंट, अवयवी सरल भागों की पास पारस्परिक क्रियाओं की आपस में कैसे क्रिया करते हैं तथा गुणों से व्युत्पन्न करना, व्युत्पन्न मतलब कि ड्राइव करना कि पूरे सिस्टम का जो गुण है वो इसके जो कंपोनेंट सिस्टम है उसकी आपस की क्रिया और उसके गुणों से पूरे सिस्टम का गुण ड्राइव करना जो क्या कहलाता है, न्यूनीकरण कहलाता है। ओके, अब देखिए कि प्रकृति के मूल बलों का एकीकरण क्या है। अब भौतिकी विज्ञान की जितनी महत्वपूर्ण खोज है या उसकी उन्नति जो है उसका एक काम और है कि वो जितने पहले जितने भी सिद्धांत बने हुए हैं या कुछ सिद्धांतों का या कुछ प्रभाव जो जिनकी हम स्टडी कर रहे हैं उनको एकीकरण की ओर लेके जाती है कि जो जो दिन ब दिन खोज होती जा रही है वो विभिन्न सिद्धांतों और प्रभाव क्षेत्रों का क्या कर रही है, एकीकरण कर रही है। तो इस एकीकरण के प्रयास में ही जो प्रकृति के बल हैं उनका भी एकीकरण हुआ है। पहले जिनको हम अलग अलग पढ़ते थे उनको हम अब एक करके पढ़ रहे हैं। उसके उदाहरण जो हम आपको दिखा रहा हूं, अब जैसे आइजैक न्यूटन ने 1687 में जो खगोलीय और पार्थिव यांत्रिकी जो है उसको एकीकृत किया था कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो इन्होंने दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो दिया, वो इन्होंने कहा कि जो खगोलीय यानी जो आकाशीय पिंडों का हम अध्ययन करते हैं, पार्थिव जो पृथ्वी पर जो पिंडों की गति का अध्ययन करते हैं, उन पे जो गुरुत्वाकर्षण नियम जो है वो समान रूप से लगता है। तो ये दोनों प्रभाव क्षेत्र जो है उनका इन्होंने क्या कर दिया, एकीकरण कर दिया। इसी तरह से माइकल फैराडे ने क्या किया था कि पहले विद्युत को हम अलग मानते थे, चुंबक को हम अलग मानते थे, तो इन्होंने विद्युत चुंबकीय घटनाओं का जो है एकीकरण कर दिया था कि जैसे हमने 10वीं कक्षा के 13वें चैप्टर में पढ़ा था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कि जिसमें अगर हम किसी एक कुंडली के पास एक चुंबक घुमा करके लाते हैं तो कुंडली के साथ अगर क्लिनोमीटर जोड़ते हैं तो इसमें विक्षेप हो जाता है, यानी चुंबक के द्वारा जो है क्या है कि विद्युत धारा पैदा की जा सकती है। इसी तरह से विद्युत धारा अगर किसी कुंडली में से जा रही है तो इसके चारों तरफ क्या चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। तो इस टाइप के प्रयोग करके माइकल फैराडे ने ये बता दिया था कि विद्युत और चुंबक तो जो है अलग अलग घटनाएं नहीं है, ये अविच्छेद्य हैं और ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो इन दोनों चीजों को उन्होंने इकट्ठा कर दिया था। और क्लार्क मैक्सवेल ने जो है विद्युत चुंबकत्व और प्रकाशिकी को, प्रकाशिकी यानी जो आपने 10th क्लास में वो पढ़ा है दर्पण लेंस लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन तापवर्तन वगैरह, ये प्रकाशिकी का ही भाग है। तो इन्होंने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाशिकी को एकीकृत किया था। उन्होंने कहा था कि प्रकाश जो विद्युत चुंबकीय तरंगे है, ठीक। और इसी तरह से जो है अब्दुल सलाम, ये पाकिस्तानी साइंटिस्ट है, स्टीवन विनबर्ग और सेल्डन ग्लासोव जो है इनके साथ मिलकर के, इन्होंने एक साथ मिलकर के जो है दुर्बल नाभिकीय बल और विद्युत चुंबकीय बल को एकल विद्युत दुर्बल बल के रूप में देखने की कोशिश की है। इसी तरह से कार्लो रूबिया साइमन वंडरमीयर जो है ये साइंटिस्ट हैं कुछ, तो इन्होंने जो है विद्युत दुर्बल बल के सिद्धांत के पूर्वानुमानों का प्रायोगिक रूप का सत्यापन किया। जैसे इन्होंने थ्योरेटिकली दे दिया इस टाइप से भी कोई चीज हो सकती है, इन्होंने इसको प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया। तो ये जो है कुछ एक प्रयास पिछले वर्षों में होते रहे हैं जिसकी वजह से जो है हम विभिन्न बलों का एकीकरण करने में सफल रहे हैं। अब आगे आता है संरक्षित राशियां। अब कहता है कि कई भौतिक राशियां ऐसी होती है जो कभी नहीं बदलती, हमेशा अचर रहती है, संरक्षित राशियां कहलाती है। वो जो कभी ना बदले यानी अचर रहे वो क्या कहलाएगी, संरक्षित राशियां कहलाएगी। तो
अब देखिए कि कई प्रेक्षित घटनाएं हैं जो ऑब्जर्व्ड फिनोमिना यानी जो हम डेली लाइफ में कई घटनाएं देखते हैं उनकी मात्रात्मक व्याख्या करने के लिए या मात्रात्मक व्याख्या को समझने के लिए हम भौतिकी विज्ञान में कुछ संरक्षण के नियम पढ़ते हैं। तो इनमें जो पहला नियम है वह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान न तो पैदा होता है न ही नष्ट होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरे पास 1 किलोग्राम पानी है, ठीक। इस पानी को मैंने फ्रिज में रख दिया, इसकी बर्फ बन गई। अब बर्फ को अगर आप तोल के देखोगे तो इसका द्रव्यमान कितना रहेगा, 1 किलोग्राम। अगर पूरे पानी को उबाल करके मैं भाप बना दूं, भाप को मैं कहीं स्टोर कर लूं, तो वो पूरी भाप का द्रव्यमान भी अगर आप देखो 1 किलोग्राम ही रहेगा, ठीक। अगर आप भाप बाहर ना निकलने दो, सारी की सारी भाप आप स्टोर कर लो, तो इसी तरह से जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, मान लीजिए ए प्लस बी मिलकर के कोई पदार्थ सी प्लस डी बनाते हैं, तो जितना ए प्लस बी का द्रव्यमान है उतना ही क्या होगा, सी प्लस डी का द्रव्यमान होगा। तो किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के दौरान द्रव्यमान हमेशा ही संरक्षित रहता है, समान रहेगा। इसी तरह से ऊर्जा संरक्षण का नियम कि ऊर्जा न तो पैदा की जा सकती है न नष्ट की जा सकती है, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ठीक। उदाहरण के लिए कि यदि आपने विद्युत से कोई पंखा जला दिया, ठीक, तो विद्युत ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगी, सिर्फ रूप बदला है, ऊर्जा नष्ट नहीं हुई है, ठीक। तो इसी तरह से आगे संवेग संरक्षण का नियम है। संवेग क्या होता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग की जो गुणा है वो संवेग कहलाता है। तो ये हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। मान लीजिए कि ये एक निकाय है जिस पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा, इसके अंदर कई सारी वस्तुएं हैं, तो इनका अपना अपना संवेग है, चल रही है सारी। अगर मान लीजिए आपस में टकरा भी जाएगी तो एक का वेग कुछ कम हो जाएगा, दूसरे का ज्यादा हो जाएगा। तो संवेग कुल मिला के टकराने से पहले भी वही रहेगा, टकराने के बाद भी वही रहेगा। तो किसी पृथक निकाय का मतलब ऐसा निकाय जिस पर कोई बाहरी बल ना लगे, अलग थलग से हो, तो ऐसे निकाय का कुल संवेग हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षण का नियम कि किसी पृथक निकाय में आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो इसको वैसे शॉर्टकट में समझा देता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक कांच की छड़ है और ये कोई रेशम का कपड़ा है। पहले इन पे कोई आवेश नहीं है, दोनों को रगड़ा तो एक पे पॉजिटिव आवेश आ गया, दूसरे पे नेगेटिव आ गया। तो एक पे अगर प्लस क्यू आया तो दूसरे पे माइनस क्यू। अब जोड़ के देखो, अब भी जीरो, पहले भी जीरो था। तो आवेश जो है हमेशा जोड़ों में उत्पन्न होता है, ओके। तो अब देखिए कि कुल आवेश जो है हमेशा क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। अब देखिए कि जो हमने ऊपर दो नियम पढ़े थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और ऊर्जा संरक्षण का नियम, इन दोनों को आइंस्टीन ने एक विशेष सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, ठीक। अब जैसे नॉर्मल कंडीशन में तो ठीक है, हम पढ़ते भी हैं, बहुत सारी घटनाओं की व्याख्या भी इनके आधार पर हम आज भी कर रहे हैं। लेकिन एक फिजिक्स की नई ब्रांच है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें अगर हम बात करें तो आइंस्टीन ने एक नया सिद्धांत दे दिया, वहां पर ये वाला नहीं जबकि ये वाला सिद्धांत काम करेगा। तो ऊर्जा द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार क्या कहता है कि एक निकाय की कुल ऊर्जा और द्रव्यमान कुल मिलाकर के संरक्षित रहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ऊर्जा द्रव्यमान में बदल सकती है और द्रव्यमान ऊर्जा में बदल सकते हैं, दोनों का कुल जो है टोटल जो है वो संरक्षित रहेगा, ओके। इसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन भी दी, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई यहाँ पर ऊर्जा है, एम द्रव्यमान है, सी प्रकाश की चाल है। ये कहता है कि अगर एम मास एम द्रव्यमान डिसअपियर होता है, गायब होता है, तो ई ऊर्जा जो है पैदा। तो
नाभिकीय प्रक्रिया में जो है जो ऊर्जा पैदा होती है वो उसी द्रव्यमान के कारण पैदा होती है कि जैसे परमाणु विखंडन अभिक्रिया है उसमें यूरेनियम 235 जो है उस दो भागों में टूट जाता है बेरियम और क्रिप्टोन, साथ में तीन न्यूट्रॉन और निकल जाते हैं जब इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन की बोसा मतलब टकराता है तो, और यहाँ पर काफी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो वास्तव में बेरियम क्रिप्टोन और इन न्यूट्रॉनों का अगर हम भार देखें और इनका भार देखें तो भार में थोड़ी सी कमी आ जाती, द्रव्यमान में थोड़ी सी कमी आ जाती है। ठीक, तो वास्तव में वो द्रव्यमान कहाँ गया, वो जो ऊर्जा निकली लार्ज अमाउंट में उसमें कन्वर्ट हो गया और उसको E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर से वेरीफाई किया जा सकता। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मतलब मैंने आपको द्रव्यमान की बात की, बीच में भार शब्द जो है वो बोला गया था, तो वास्तव में भार नहीं हम द्रव्यमान ही कहेंगे उसको, क्योंकि द्रव्यमान और भार में थोड़ा सा फर्क है। द्रव्यमान और भार क्या फर्क है कि जैसे मान लीजिए किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा तो द्रव्यमान है, कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये वस्तु है और इस वस्तु में कितना पदार्थ लगा हुआ इसका द्रव्यमान है, और भार क्या होता है कि इस वस्तु को जब हम पृथ्वी के पास सरफेस पे इसको रखते हैं तो पृथ्वी इसको अपने केंद्र की तरफ खींचती है, तो जिस बल से खींचती है वो बल क्या है, भार है, और द्रव्यमान क्या है, पदार्थ की मात्रा है। ओके, तो यहाँ पर ये बात आपको अच्छे से समझ आ जानी चाहिए कि द्रव्यमान क्या है, पदार्थ की मात्रा, और भार क्या है, एक किस्म का बल है। जैसे मान लीजिए पेन के द्रव्यमान की बात करें तो ये जितना इसमें प्लास्टिक लगा हुआ है उसका मान जो है क्या, द्रव्यमान है, या इसमें जितनी इंक वगैरह सारा मिला के जो मटेरियल है वो क्या, द्रव्यमान है इसका। और जैसे इसको हम यहाँ पर रख देते हैं तो अर्थ इसके जिस बल से खींचेगी वो बल क्या है, भार है। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है, अगले लेक्चर में हम इसी चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और आपको मेरा लेक्चर समझ कैसा आ रहा है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।